उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 156 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 93,777 पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,578 हो गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 56, नैनीताल में 44, अल्मोड़ा में 1, हरिद्वार में 15, पिथौरागढ़ में 2, पौड़ी में 8, उधमसिंह नगर में 13, चमोली में 1, बागेश्वर में 1, टिहरी में 7, चंपावत में 3, उत्तरकाशी में 1, रुद्रप्रयाग में 4 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही बड़ी खबर है, पिथौरागढ़ से अपहरण और रेप मामला। नेपाल भागने के से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, तो नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुंशियारी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को बंगा पानी बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाबालिग लड़की को उसके परिजनों को सुपुत्र कर दिया गया, वहीं मेडिकल और 164 के बयान के लिए भेजा गया है। नैनीताल चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हो रहा प्रबंधन। तो सरोवर नगरी नैनीताल में चिड़ियाघर के जानवरों को ठंड से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन खास उपाय कर रहा है, जो जानवरों को एक्स्ट्रा डाइट दे रहा है। वही खबर है, राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान के लिए रुद्रप्रयाग और धनोल्टी में निकाली गई रैली। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को धनोल्टी और रुद्रप्रयाग में राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए धन संग्रह रैली निकाली। मुंशियारी से दिल्ली जा रही बस का टायर फटा, पहला बड़ा हादसा। तो बेरीनाग से खबर आई, जहां पे परिवहन निगम पिथौरागढ़ डिपो की बस सोमवार को मुंशियारी से दिल्ली जा रही थी। पाखू के पास पहुंचने के दौरान चलती बस में अचानक टायर फटने से बस असंतुलित हो गया। चालक ने बड़ी सूझबूझ के साथ बस रोका। घटना के वक्त बस में 30 से अधिक सवारी मौजूद थी। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं खबर है, काशीपुर से सड़क हादसे में दंपति घायल, सीपीयू कर्मियों और राहगीरों ने की मदद। तो रामनगर रोड स्थित ग्राम चांदपुर गोपीपुरा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बुआ का पुत्र बाइक से अपनी पत्नी हरप्रीत कौर के साथ घर आ रहे थे। इस बीच रामनगर रोड स्थित बैंक कॉलोनी में रहने वाले विकास कुमार ने स्टेडियम तिराहा के पास ई रिक्शा से बाइक को टक्कर मार दी। वही खबर है, कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए खुशखबरी, रेलवे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। तो आज से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। दून में इलेक्ट्रिक बसों का आम आदमी सेना ने किया विरोध, बताया चाइना कनेक्शन। तो आम आदमी सेना का आरोप है कि देहरादून में जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो चाइना निर्मित हैं, जबकि स्वदेशी कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसें इनसे सस्ती हैं।